Okay, let's start. Here we go. Here we go. No. Just like this. Straight. Straight. So, we will bite you now, school man. हर भी टेबल पर जो बैठते हो कुर्सी पर भी बैठते हो तो ये आपका पीछे का जो रियलिटी होता है सर बैक वॉल वो कभी भी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर एक अभी स्ट्रेट बैठो है ना दिक्कत होगी, अगर कोई चेन हमारे अंदर जब स्टार्टिंग में होता है ना चेन तो हमें दिक्कत होती है अगर कोई चेन, क्योंकि हम शुरू से ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे ही था, मैं भी वैसे बैठता था, अभी नहीं बैठता था। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं ऐसे बैठा तो क्या होता है। ओके, तो जितना हो सकता है उतना खुद को ही फोर्स कीजिए कि हाँ मैं ऐसे बैठूंगा। क्यों बैठना चाहिए? जब हमारे घर में वाटर है, ओके, क्या बोलते हैं कुआ, ओके, अगर एक कुआ है और इस कुएं से अगर मुझे पानी अगर लाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पाइप को इस तरीके से रखना पड़ेगा या फिर स्ट्रेट रखना पड़ेगा, है ना? अगर मैं इसे इस तरीके से अगर रखता हूँ तो पानी आएगा क्या आपको? आएगा पानी? नहीं आएगा। अगर पानी ही नहीं आएगा तो फिर यहां से अगर वाटर हमें सप्लाई करना है यहाँ पर तो वाटर सप्लाई होगा नहीं होगा, है ना? तो वाटर सप्लाई नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पर हमारी जो नीड है वाटर की, वो वाटर की नीड यहाँ पर पूरी होगी? होगी पूरी? नहीं हो सकती ना, क्योंकि वाटर यहाँ पर नहीं आया है पाइप के जरिए से। लेकिन यहाँ से वाटर ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से आएगा। जितनी दिक्कतें वाटर को यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर होगी, क्योंकि दिक्कतें वाटर को फ्लो होने में, मैं सभी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से, हाँ, जो पीछे की जो मिडल में बैठी गर्ल है ना, प्लीज आप तुम भी हाँ तुम भी नीचे आओ। ओके, तो मुझे यहाँ पर बताओ, ये तो मैंने बता दिया कि ये जो कुआ है इस कुएं से यहाँ हमें वाटर लाना है, और यहाँ पर भी एक कुआ है इस कुएं से भी वाटर यहाँ पर लाना है। ओके, ये कोई भी पॉट नहीं है, पॉट को हमें भरना है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से वाटर आने में ज्यादा वाटर को फोर्स लगेगा या फिर यहाँ से वाटर को लाने में फोर्स लगेगा? इसे नाम देते हैं ये और इसे नाम देते हैं बी। ओके, बताओ वाटर को फोर्स या फिर वाटर को दिक्कत कहाँ पर होगी? ए पर होगी या बी पर होगी? कोई भी बात नहीं करेगा, कोई पर बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं, जिसको पूछो वही। हिंदी समझ में आती है? आती है। फिर जो मैंने दो एग्जांपल दिए वहां पे वो समझा? अगर समझा हो तो हाँ, नहीं समझा हो तो नहीं, कोई बात नहीं है, या फिर कोई इसे समझा फिर बताओ ए पे दिक्कत होगी या फिर बी पे दिक्कत होगी? ए पर। ओके, सिट डाउन। यू मुझे बताओ कि दिक्कत कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी? अगर वाटर को हम फ्लो करते ये पर, सब ये पर होगी, सबका आंसर ये है या बी है? कोई बी वाला है? जो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है कि वाटर को फ्लो करने में हो सकती है, कहाँ पर दिक्कत होगी? सब ए पर। ये समझा मैं वाला? ये जो एग्जांपल दिया एग्जांपल समझा सकते हो? अभी इसको अलग तरीके से ले लो। अभी ये है इंफॉर्मेशन, ये है हमारा स्कूल, ओके, या फिर स्कूल ही नहीं, हम कम्युनिटी भी बोलते हैं, कम्युनिटी, ओके, इसे हम नाम देते हैं एजुकेशन एनवायरमेंट, चलेगा? एजुकेशन एनवायरमेंट। और हम बात किसकी कर रहे हैं? बैकबोन, ओके, कि हमें स्ट्रेट क्यों बैठना चाहिए, स्ट्रेट क्यों बैठना चाहिए? अगर आप स्ट्रेट बैठोगे तो बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे इस तरीके से अगर पाइप को हम स्ट्रेट अगर रखते हैं तो वाटर को ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा यहां तक आने में, और हमें जो वाटर चाहिए जितना चाहिए
अभी उससे ज्यादा भी चाहिए तो भी हमें लेने में दिक्कत होगी नहीं होगी लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ रही है सेम सिचुएशन यही है अभी हम यहाँ पर ये वाला ला लेते हैं ये है हमारा एनवायरमेंट एजुकेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन एनवायरमेंट एजुकेशन एनवायरमेंट कौन कौन सा हो सकता है हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं ये बताएगा एग्जाम्पल मैंने तो यहाँ पे यही बता दिया दो बता दिया एक स्कूल है और दूसरा कम्युनिटी है और कौन कौन से एजुकेशनल एनवायरमेंट हो सकते हैं अब एजुकेशनल एनवायरमेंट यानी ये होता है कि हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं सिर्फ हम स्कूल में ही सीखते हैं स्कूल में ही सीखते हैं सिर्फ कहाँ पर सीखते हैं घर पे ओके रिपीट नहीं होना चाहिए ओके आंसर वो बोलो बोलो कहाँ पर पढ़ते हैं क्या टीचर हाँ टीचर और सोचो 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 सिर्फ सोचो कहाँ कहाँ पर पढ़ते हैं पढ़ाई तो करते हैं ना पढ़ाई करना मतलब सिर्फ बुक्स हाथ में लेना यही पढ़ाई नहीं होती ओके ये तो एक पढ़ाई का एक पार्ट हो गया पढ़ाई बहुत बड़ी है उसमें से सिर्फ हम बुक्स या फिर हमारा जो स्कूल होता है कॉलेज होता है ये उसमें से एक पार्ट ही है तो पढ़ाई हम कहाँ कहाँ पर करते हो सोचोगे इसके बारे में घर पर सोचना पड़ेगा ओके तो ठीक है अभी हम हमारे पास एजुकेशनल एनवायरमेंट हमारे पास आ गया होम जहाँ पर हम सीखते हैं होम में सीखते हैं उसके बाद ट्यूशन उसके बाद हम यहाँ पर फ्रेंड्स को ला सकते हैं फ्रेंड्स के साथ हम जब बातें करते हैं वहां से कुछ ना कुछ अगर कभी कभी अपना ही फ्रेंड क्या करता है कोई जोक दे देता है कोई जोक या फिर कोई ऐसा वर्ड यूज कर देता है कि हम मेरे फ्रेंड ने वाला वर्ड बोला था वो अच्छा लगा फिर आप भी किसी को अगर फन की एक्टिविटी या फिर किसी को हंसाना हो तो फिर वही आप क्या करते हो वही वर्ड यूज करते हो कभी कभी करते हो सब लोगों के साथ हुआ है नहीं मेरे साथ तो हुआ है मैंने बहुत बार किया है अगर मेरा कोई फ्रेंड है अगर वो कोई अच्छा वर्ड बोल देता है और अगर मुझे याद आता है और किसी कंटेक्स्ट में अगर वो वर्ड अगर आ जाता है तो फिर मैं वो वाला वर्ड यूज कर लेता हूँ ऐसा आपके साथ हुआ है किस किस के साथ हुआ है किस किस के साथ हुआ है रेज योर हैंड ये हुआ है नहीं हुआ है आप फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं करते अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कुछ क्या बोलते हैं सॉन्ग गाना ही गाता है फिर हम अभी भी वहाँ मेरे फ्रेंड ने ये गाया था तो फिर आप भी उसके साथ गाने लग जाते हो है ना ये भी तो एक लर्निंग है ये भी एक लर्निंग है अगर कोई आपका फ्रेंड अगर ऐसे चलते चलते अगर मैं ये दिला रहा हूँ मैं ये ला कर चल रहा हूँ आप भी चलते हो ना कभी कभी करते हो नहीं करते हो मैं तो करता हूँ आप नहीं करते पीछे के पीछे क्या नहीं करते हो अगर साइकिल चला रहे हो और अगर आपका फ्रेंड अगर कोई ऐसे साइकिल चला रहा है ऐसे ऐसे आप भी करते हो ना चलो मैं भी करके देखता हूँ करते हो ना तो ये सब क्या है लर्निंग है आप घर से निकल निकल कर स्कूल में जाते रहे जब आप उठते हो समझ रहे ना मॉर्निंग आपकी जब मॉर्निंग होती है मेकअप आपकी मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप कंटिन्यू सीखते रहते हो लेकिन आपको पता नहीं हाँ ये चीज भी ये चीज भी ये चीज भी सिर्फ आपको इतना पता है कि हाँ स्कूल में जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाई है वही पढ़ाई है इसके बाद पढ़ाई नहीं होती ये आपको लगता है लेकिन पढ़ाई हर जगह है हर जगह आप कभी सोचो आजू बाजू में भी अगर आप देखोगे ना हर एक चीज हमें सिखा सकते हर एक चीज ये फैन अगर देखे फैन से हम क्या सीख सकते हैं हर एक चीज से सीख सकते हैं फैन से सीख सकते हैं बाहर में जो नाला बह रहा है उस नाले से हम कुछ सीख सकते हैं सभी से सीख सकते हैं लेकिन हमें क्या एक क्यूरियोसिटी जो बोलते हैं यानी क्यूरियोसिटी पड़ता है ना कि हाँ मुझे सीखना है हाँ मुझे देखना है अगर कोई क्वेश्चन अगर अभी तो वही जैसी है मैंने क्या किया मुझे यहाँ पर सब बच्चे को पता था बच्चे थे लेकिन किस किस गांव से नहीं नहीं पता जब मैंने पूछा तब मुझे पता चला फिर मुझे इंडिया जो इंडिया होता है इंडिया में सारे स्टेट्स होते हैं उस तरीके से एक माइंड मेरे दिमाग में आ गया अरे बाप रे इतने बड़े स्कूल ये यहाँ पर इतने छोटे से स्कूल में इतने बड़े गाँव से लड़के आए वो भी दूर दूर से यानी आप में क्यूरियोसिटी है आपको भी पढ़ना है ये यहाँ से दिखाई देता है क्योंकि आप बहुत दूर से चल करके आ रहे हो स्कूल पर ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूर है ना इस वजह से नहीं जाते क्या होता है स्कूल में अगर गए तो है ना लेकिन आप कर पा रहे हो इसलिए खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ मैं जा पा रहा हूँ और खुद का एक सपना भी लो कि हाँ मुझे आगे चल करके कुछ बनना है
मुझे स्क्रिप्ट की गार्डन में जाकर के स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं हां डेलीवेजेस डेलीवेजेस पता है ना ब्रो भोजन लाइन बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं आपके यहां जो डेलीवेजर की गार्डन बोलते हैं ना की गार्डन में वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उस तरीके से आपको नहीं जीना है वो हो गया वो अगर आपके फादर्स मदर्स अगर कोई जी रहा हो या फिर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अगर उस तरीके की जिंदगी अगर जी रहे हो तो ये आपका हक नहीं है कि आप भी वही करो है ना आपको राइट्स है आपको अधिकार है सीखने का अधिकार है आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है वहां पर आपको सीखने का अधिकार है अगर आपको कोई रोकता है इवन इवन पेरेंट्स अगर आपको रोकते हैं तो आप उन्हें भी बोल सकते हो नहीं मुझे पढ़ना है अगर यानी उनके खिलाफ भी आप जा सकते हो पढ़ाई के लिए यानी पढ़ाई के पढ़ाई ये आपका ह्यूमन राइट्स है आपका फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं फंडामेंटल यानी जो फंडामेंटल नीड्स होती है ना भाई हमें खाना मिलना चाहिए हमें रहने के लिए घर मिलना चाहिए हमें खाने के लिए चीजें मिलनी चाहिए ये हो गया हमारे फंडामेंटल राइट्स ओके फंडामेंटल नीड्स तो फंडामेंटल नीड्स के जिस फंडामेंटल एक राइट्स होती है उसमें आर्टिकल 21 ये होता है और वहां पर आपको पढ़ाई का अधिकार दिया हुआ है ना वहां पर आप पढ़ सकते हो और पढ़ नहीं सकते हो किसी भी जगह पर जाकर के अगर आपको रोकता है कोई भी तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो इतने अधिकार आपके पास तो पढ़ाई का फायदा लो सबसे पहले क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया ना आसाम में तो जो मेरे साथ के जो लड़के ना मेरे साथ के जैसे मैं यहाँ पर आया हुआ वैसे ही हम और अलग अलग स्कूल में भी जाते हैं ये सिर्फ मेरा सिर्फ यहाँ पर ये पहला स्कूल है आपके स्कूल में ये पहला स्कूल है और मैं भी वहां से 22 या 23 किलोमीटर चलकर की थी वहां पर यहाँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहां पर के बच्चे अभी जिस तरीके का एनवायरमेंट उनके यहाँ पर है उस तरीके का एनवायरमेंट उनके लिए नहीं बना है क्योंकि अभी दुनिया बहुत ही ज्यादा जा चुकी है लेकिन यहाँ पर के बच्चे बहुत पीछे है गलत ना माने लेकिन बहुत पीछे है क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में भी अगर चले जाओ महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूँ वहां पे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते अभी जिस तरीके के रिजल्ट किसी ने यहाँ पर बता दिया है कि हाँ मेरे मुझे घर में काम होता है ये जो रीजन है ना ये लगभग ऑलमोस्ट 80% गर्ल्स का यही रीजन यहाँ पर आसाम में 80% गर्ल्स यही रीजन देते हैं और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और जो हमारे स्कूल जो विजिट हुए हैं वहाँ पर यही रीजन है कि आप घर में काम होता है या फिर हमें कहीं तो भी बाहर जाना है फिर हमें काम के लिए बाहर जाना है काम के लिए और काम के लिए अगर बाहर जाना है तो यहाँ से पेरेंट्स क्या करते हैं खुद के बच्चों को लेकर जाते हैं ये उनकी एक मजबूरी जो है कि हाँ कि हमारे पास पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए आप वहां पर जा रहे हो लेकिन ये पैसा आपको कितना सेटिस्फेक्शन देगा कुछ ही दिनों तक अगर आप इस उम्र से अगर आप काम करने अगर लग जाओगे तो कितने दिन तक जियोगे कितने दिन तक अगर आप यानी मैं अगर लगभग मेरी अगर डेथ ऑलमोस्ट अगर 60 इयर्स के बाद अगर होती है 60 ईयर एट द एज ऑफ 60 अगर मैं मर जाता हूँ अगर मैं शुरू से अगर अभी से भी अगर काम करना है अभी तो ठीक है लेकिन इसके पहले से अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया अगर आपकी एज है आई आपकी एज 40, 50, 60 है ना अगर 14, 15, 16 की एज से अगर मैंने काम करना अगर शुरू कर दिया तो और हाँ काम कोई भी करना ये बुरी चीज नहीं मैंने भी काम किया मैंने भी लकड़ी तोड़ा है मैं भी लकड़ी तोड़े जाता हूँ ऐसा नहीं लेकिन लकड़ी के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की है सिर्फ काम को नहीं देखा है काम ओके जब मेरी पढ़ाई हो जाती थी उसके बाद काम जैसे यहाँ पर किसी ने तू बताया कि हाँ मैं गैया के लिए चारा कटाने गया था तो उसकी वजह से मुझे देर हो गई तुम्हें पता है कि तुम्हें गैया के लिए चारा लाना है तुम्हें पता तुम्हें लड़कियों को पता है कि मुझे घर का जो क्या बोलते हैं उसके पॉट होते हैं रात में जो खाना रहता है उससे मुझे धोना है क्या आप लोगों को पता है अगर गर्ल्स को पता है कि मुझे कपड़े धोना है ना ये कॉमन चीज है हमारे जिस तरीके से आप दावे रहते हो ना उस तरीके से मैं भी रहा हूँ मैं भी कोई ऐसे बड़ी सिटी से नहीं आता हूँ मेरा भी घर ऐसी टूटा फूटा घर लेकिन मैं पढ़ाई करते करते यहाँ पर आया हूँ